अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। आप सब कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के जो वीडियो मैं आपके साथ लेकर आई हूँ वो मेरे ऊपर नहीं होनी रेमेडी, वो मेरी मम्मा के ऊपर होनी है। जिस तरह आप हमेशा कहते हो आपके बाल ऑलरेडी स्ट्रेट हैं, स्मूथ हैं, शाइनी हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा रिज़ल्ट है या नहीं? तो ये आप देख लो आपको कितना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो आज मैं अपनी मम्मा के ऊपर ये सब करके दिखा रही हूँ, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ना भी लगे तो आपको पता है आपने क्या करना है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है जिससे आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और वीडियो को लाइक करना है। और आया है ये देखें लश्कारे, जो मेरे मम्मा के बाल लश्कारे मारे थे वो खुद बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि इतने प्यारे उनके हेयर्स हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कभी आज तक कोई रेमेडी यूज़ नहीं की और ना ही अपने हेयर्स को बैलेंस रखा है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले बनाना ले लेना है। हमने ले लेने हैं 2 या 3 बनाना, मैंने यहाँ पे 2 लिए लेकिन बाद में फिर एक और मैंने ऐड कर दिया था। इसके बाद हमने ले लेना है 1 चम्मच कोकोनट ऑयल और 1 चम्मच हमने हनी का ले लेना है, और ये कितना खूबसूरत हनी लग रहा है। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसको अच्छे से ब्लेंड कर देना है। ब्लेंड करने के बाद आपको ये बहुत ही क्रीमी रिच कंसिस्टेंसी में इस तरह का मास्क आपका रेडी हो जाएगा, जो कि लगाने में भी बहुत इजी है और उतारने में भी ये बहुत ईजीली उतर जाता है। तो इस तरह से हमने अपना मास्क रेडी कर लेना है और इसको साइड पर कर देना है। इसके बाद हमने एक और बॉल लेना है और इसको हमने ऐड करना है। हमने इसको 2 सेक्शंस में डिवाइड करना है, एक हमारा हेयर स्कैल्प के लिए होगा, दूसरा हमारी हेयर लेंथ के लिए होगा। जो हेयर स्कैल्प के लिए वो थोड़ा सा कम है, हेयर लेंथ के लिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। फिर हमने इसमें डालना है ये वाला कंडीशनर। अब आप कहेंगे कि इसमें तो नेचुरल फिर कुछ रहा ही नहीं है, तो आपने इसमें कंडीशनर ऐड कर दिया, तो आपने इसमें कंडीशनर ऐड करना है, लेकिन इसके कोई भी आपको हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम इसको ऑर्गेनिक चीज़ के साथ ऐड करके यूज़ कर रहे हैं, तो जो इसके बेनिफिट्स हैं ना वो हमें मिलेंगे, ना कि हमें इसके नुकसानात मिलेंगे। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, तो आपने इसको लाजमी यूज़ करना है। इस तरह से मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, आप कोई भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पर ट्रेस्मे का कंडीशनर यूज़ किया है, आपको जो सूटेबल लगता है ना, जो आपके बालों के लिए सूटेबल है, आप वो यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आप मेरे मम्मा का ये टेक्सचर देख सकते हो कि मम्मा के बाल बिल्कुल 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 डैमेज और ड्राई हेयर्स हैं, और ये वाला जो मास्क है ये ड्राई और डैमेज दोनों हेयर्स के लिए हैं। मेरी मम्मा के बाल बिल्कुल ड्राई और डैमेज हेयर्स हैं, इन बालों पे ना तो कभी कंडीशनर यूज़ हुआ है, ना तो कभी कोई DIY यूज़ हुआ है, ना कोई हेयर मास्क यूज़ हुआ है, क्योंकि हमारी आजकल की जो अम्मियाँ हैं वो अपने बालों का, स्किन का, अपनी बॉडी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, क्योंकि बहुत मासूम होती हैं अम्मियाँ जो है ना, बहुत क्यूट और मासूम सी माएँ होती हैं जो हमारा अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं लेकिन खुद का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। तो आज मैंने अपने मम्मा के ऊपर ये ट्राई किया है, और आप इसके जो रिज़ल्ट्स हैं ना वो इनसेन रिज़ल्ट्स देखोगे, बहुत 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 मज़े के रिज़ल्ट्स थे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले स्कैल्प में अप्लाई कर रही हूँ, और ऑलरेडी मैंने आपको गाइड किया हुआ है कि किस तरह से आपने अपने स्कैल्प पे इसको अप्लाई करना है, पूरे बालों में किस तरह से अप्लाई करना है, सेक्शन बाई सेक्शन आपने इसको डिवाइड करके फिर अपने हेयर्स में अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं अपने मम्मा के हेयर स्कैल्प पे अप्लाई कर रही हूँ, ऊपर वाले बालों में अप्लाई कर रही हूँ, 3 से 4 इंच का गैप रख के, मतलब के 3 से 4 इंच के लेंथ में हमने अप्लाई करना है और सारे बालों में अप्लाई कर लेना है। इसके बाद हम दूसरा अप्लाई करेंगे। तो इसमें हमने बनाना ऐड किया है, बनाना के बहुत 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 फ़ायदे हैं ये, ना तो आपके स्कैल्प के लिए अच्छा है, ना तो आपके हेयर्स के लिए अच्छा है, बल्कि आपके स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नेचुरल ऑयल्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसमें आपको विटामिंस मिलते हैं, और बहुत 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 अच्छा है। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैमेज है, ड्राई आ गया, फ्रीज हो गए हैं, तो ये बेस्ट है, क्योंकि ये बालों को एक तो बहुत ज़्यादा स्मूथ करता है, दूसरा बालों को बहुत ज़्यादा मैनेजेबल रखता है, ड्राई स्किन के लिए, ड्राई हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है, और बालों में शाइन प्रोवाइड करता है। हनी भी सेम करता है, हनी आपके बालों के जो फोलिकल्स
होते हैं ना उसको बहुत ज़्यादा स्मूथ करता है, बालों का टेक्सचर बहुत ज़्यादा स्मूथ करता है, आपके बालों में इंक्रीज करता है शाइन, बहुत ज़्यादा शाइन इंक्रीज कर देता है। और जो कोकोनट ऑयल है वो तो मेरा फेवरेट ऑयल है, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा बेनिफिट्स पाए जाते हैं। ये ना तो हमारे हेयर्स को बल्कि सॉफ्ट करता है, बल्कि शाइन बनाता है, बल्कि मॉइस्चराइज़र प्रोवाइड करता है, और मैं क्या बताऊँ बहुत अच्छा कंडीशनर का काम करता है, और हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मैं इस तरह से इसको अप्लाई कर रही हूँ, और अप्लाई करने के साथ साथ मैं फिंगर कॉम कर रही हूँ ताकि जो हेयर्स हैं ना वो स्ट्रेट होना शुरू हो जाए। तो जिस तरह से लेंथ पे मास्क अप्लाई हो रहा है उसी तरह जो हेयर्स हैं ना वो स्ट्रेट होने लग गए हैं। और मज़े की बात ये है, मम्मा के बाल इतने ज़्यादा स्ट्रेट हो गए थे ना कि ऐसे लग रहा था जैसे बालों को स्ट्रेट किया है, जैसे आप भी समझेंगे कि पता नहीं बालों को स्ट्रेट करके आ गई है, तो बिल्कुल भी बालों को स्ट्रेट नहीं किया। ये सिर्फ इस मास्क की वजह से हो गया था, जो इसमें कंडीशनर ऐड किया था ना उसकी वजह से एक हमारे हेयर्स की डीप कंडीशनिंग हो गई, और बहुत अच्छा जैसे कैरेटीन हो जाता है ना वो भी हो गया, इस तरह का आपको इफ़ेक्ट मिलता है। तो साथ साथ मैं अप्लाई करती जा रही हूँ और साथ साथ मैं फिंगर कॉम भी करती जा रही हूँ। तो इस तरह मैंने सारे हेयर्स में इसको अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद आपने इसको सिर्फ 30 मिनट्स के लिए रख देना है, और इसके बाद आपने वॉश करना है। आप चाहे तो आप इसका बन बना सकते हो, आप चाहो तो आप इसको सिक्योर कर सकते हो, और नहीं तो आप इस तरह भी छोड़ सकते हो अगर आपको बिल्कुल हेयर स्ट्रेट चाहिए। तो इसके बाद मम्मा ने अपने बालों को वॉश किया है। वॉश करने के बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ड्राई होने दिया। ड्राई होने के बाद मैंने मम्मा के मम्मा के बालों को मैंने कॉम किया है, और कॉम करने के बाद नीचे से आप देख सकते हो मम्मा की लेंथ का भी पता नहीं था चल रहा कि कितने मम्मा के बाल एक्स्ट्रा आए हुए हैं। तो फिर नीचे से आप देख सकते हो ऊपर नीचे काफ़ी ज़्यादा लेंथ हुई हुई थी, तो मैंने पकड़ के सारे कैंची के साथ काट दिए और बिल्कुल इक्वल कर दिए, और आप ये शाइन देख सकते हो। और मैं आपको फ्रंट से ऊपर से ये टेक्स्चर दिखा रही हूँ कि ये स्ट्रेट नहीं हुए हुए, क्योंकि जो स्ट्रेट हेयर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा बैठ जाते हैं, उसमें वॉल्यूम बाउंसी बिल्कुल भी नहीं होता। जबकि ये वाले हेयर्स आप देख रहे होंगे ऊपर से थोड़े थोड़े से खड़े खड़े भी हैं, क्योंकि हमने ऊपर कंडीशनर अप्लाई नहीं किया था। ये देखें आप पिक्चर, इस तरह मम्मा के बाल जो थे वो अनइवन हुए हुए थे, तो मैंने सारे ही कट कर दिए नीचे से और बिल्कुल इक्वल कर दिए। तो इस तरह से हमने ये अप्लाई करना है, और इस तरह का हमें रिज़ल्ट चाहिए। तो आपने ये वाला मास्क ज़रूर अप्लाई करना है। ये मास्क अप्लाई करने के बाद आपको किसी भी स्ट्रेटनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी और कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इस मास्क के अंदर, इस DIY के अंदर कंडीशनर को ऐड करके अप्लाई करोगे, तो एक तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, दूसरा जो कंडीशनर के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं ना वो भी नहीं आपको होंगे। अब आपने इसको अप्लाई कब करना है, तो आपने इसको वीक में सिर्फ एक दफ़ा अप्लाई करना है अगर आपके बहुत ज़्यादा डैमेज हेयर्स हैं, और अगर आपके नॉर्मल हेयर्स हैं तो आप 10 दिन में एक दफ़ा कर सकते हो लाजमी, और आप इसको 15 डेज में 3 दफ़ा भी कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन योर हेयर टेक्सचर। अगर बहुत ज़्यादा डैमेज है तो आप वीक में एक दफ़ा करोगे, नहीं तो आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, आप इसको फिर बहुत नॉर्मल रूटीन में यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये शाइन देखें गज़ब की शाइन थी। और आप हेयर कलर पूछोगे तो ये वाला हेयर कलर मैं नहीं बता सकती, क्योंकि आप ये वाला हेयर कलर करोगे बिना तो आपके बालों में ये ऐसा कलर नहीं आना जो मेरे मम्मा के बालों में आता है। ये बहुत खूबसूरत कलर है, और बहुत लोगों ने ऑलरेडी पूछा है आप कौन सा कलर अप्लाई करती हैं। तो मम्मा ओलिविया का 11 नंबर यूज़ करती है, और ये वाला कलर सिर्फ मेरी मम्मा के हेयर्स में आता है, बाकी काफ़ी लोगों ने ट्राई किया है उनको ये कलर नहीं मिला। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।